जनता टेलीविजन अपने देख रहल छी जनता समाचार दुपहर 12 बजे के मैथिली बुलेटिन में अपने एक स्वागत है। नमस्कार, हम दीपा कर्ण। सबसे पहले प्रमुख समाचारक शीर्षक सब। विश्व कैंसर दिवस विविध कार्यक्रम का मना रहा। कैंसर के कारण जीवन गुमावे वाला सब के संख्या 3 प्रतिदिन बढ़ रहा। विलंबित खाने पानी निर्माण असमंजस में सुरंग निर्माण के जिम्मा जो सेना के दिल जाए तो निर्धारित समय में काज संपन्न करवाक सेना के दावी। दल सब नहीं टेरलक संवैधानिक प्रावधान। संगठनात्मक संरचना में प्रमुख दल में नहीं भेल 33% महिला सहभागिता। यूएई विरुद्ध के एक दिवसीय T20 सीरीज में नेपालक ऐतिहासिक सफलता। दोनों सीरीज नेपाल के पक्ष में। अमेरिका में नकली विश्वविद्यालय में भारतीय विद्यार्थी नियंत्रण में ले गलाक बाद भारत के कूटनीतिक विरोध। विद्यार्थी सब विश्वविद्यालय बारे जानकार रहल अभियोजनकर्ता के बाद। हमरा लोकन मैथिली समाचार में छिया पूरा समाचार। विश्व कैंसर दिवस आई विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल जा रहल है। हरेक वर्ष फरवरी 4 के दिन कैंसर बारे में जनचेतना जगेबाक उद्देश्य से ई दिवस मनाओल जाते है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ए बेर आई एम आई विल नामक नारा के साथ विश्व कैंसर दिवस मना रहल है। संक्रमण नहीं होबे वाला रोग से पिछला समय मानव स्वास्थ्य में चुनौती के रूप में रहल है आ कैंसर के कारण जीवन गुमावे वाला सब के संख्या सेहो दिन प्रतिदिन बढ़ रहल तथ्यांक में उल्लेख है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सन 2018 में करीब 96 लाख व्यक्ति के कैंसर के कारण जीवन नष्ट भेल तथ्यांक है। विविध कारण से होते है जाहि में कैंसर दोसर नंबर में रहल है। प्रत्येक 6 मृत्यु में से 1 के कारण कैंसर रहल विश्व स्वास्थ्य संगठन जनौलक है। विशेष कर कम आ मध्यम आय स्तर भेल देश में कैंसर प्रमुख स्वास्थ्य समस्या के रूप में रहल है। मुदा विशेषज्ञ सब के मुताबिक स्वस्थ तथा स्वच्छ खाने पानी के कमी, पर्याप्त व्यायाम के अभाव, धूम्रपान, मध्यपान जकां आदत, अत्यधिक वजन कैंसर भेनाय के प्रमुख कारण छी। व्यक्ति जीवन में एहि तरह के व्यवहार में जो परिवर्तन क सकत कैंसर से बचल जा सकते है। ताहि कारण आजुक दिन ए विषय में जनचेतना जगावक लेल आ व्यवहार में लागू करक लेल प्रेरित करबाक हेतु विविध कार्यक्रम कयल जायत अछि। नेपाल सरकार मिलमची खाने पानी के सुरंग मार्ग निर्माण के जिम्मा जौन नेपाली सेना के देत त सेना निर्धारित समय में संपन्न करबाक जनौलक अछि। जनता टेलीविजन संगे के बातचीत के दौरान नेपाली सेना के सहायक रथी एवं प्रवक्ता यामप्रसाद ढकाल कहलायत मेलमची खाने पानी परियोजना के सुरंग मार्ग निर्माण के जिम्मा जौन नेपाली सेना के देल जाय त निर्धारित समय में संपन्न भ जायत। विषयमा नेपाल सरकारले अहिलेसम्म नेपाली सेना नेपाली सरकारले नेपाली सेनालाई खन्नको लागि अथवा बनाउनको लागि चाहिँ अनुरोध गरेको हामीसँग केही जानकारी आएको छैन। नेपाल सरकारले गरेको निर्णयमा चाहिँ नेपाली सेना चाहिँ सदैव चाहिँ काम गर्न चाहिँ तयार छ। प्रवक्ता ढकाल नेपाली सेना संगे सड़क निर्माण के लेल आवश्यक उपकरण दक्ष जनशक्ति रहलाक कारण सुरंग मार्ग सेहो संपन्न करबाक दावी कयलथि। सरकार के निर्देशन पालनाक सिलसिला में विविध लांछन लगाओल जा रहल प्रति सेहो नेपाली सेना सचेत रहल ढकाल बतौलन। बहुप्रतिष्ठित जनसरोकार राखवला आ अंतर्राष्ट्रीय जगत के समेत रुचि के विषय बनल मेलमची खाने पानी आयोजना इटालियन कंपनी CMC हटलाक बाद असमंजस में अछि। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत प्रदेश सरकार पारित कर रहल लोक सेवा आयोग आ निजामती कर्मचारी एन अंतर्गत प्रहरी में सेहो महिला सभक लेल 50% आरक्षण व्यवस्था करबा कहलथि। बीरगंज में एक कार्यक्रम के संबोधन करैत मुख्यमंत्री राउत बेटा आ बेटी बीच भेदभाव नहीं करबाक हेतु अभिभावक के अनुरोध कयलथि। मुख्यमंत्री राउत प्रदेश सरकार द्वारा पारित कयल जा रहल लोक सेवा आयोग आ निजामती कर्मचारी एन अंतर्गत प्रहरी एन में सेहो महिला सभक लेल 50% आरक्षण व्यवस्था करबाक प्रतिबद्धता कयलथि। छोरीहरूलाई 50% आरक्षण गरिएको छ। पढाउने मात्र होइन, पढ्नको लागि शिक्षा बीमाको रूपमा 1 लाख मात्र होइन,
पढाइ सकेपछि हाम्रा गार्जियनहरूले बुझ्नु पर्छ कि आउने दिनमा यदि प्रदेशमा 100 वटा आरक्षणमा इन्स्पेक्टर हुन्छ भने 50 वटा हाम्रा छोरीहरू हुनेछन्। यस किसिमका आरक्षण प्रदेश सरकारले लिएर अगाडि बढेको छ। मुख्यमन्त्री कहलथि राउत बेटी के जँ अवसर देल जाए त बेटासँ बेसी उत्कृष्ट साबित भ सकै छथि। बाल विवाह, दहेज प्रथा जका सामाजिक विकृति उन्मूलन नै भेला धरि समाज विकसित नै भ सकत जिकिर कयलनि। हमरा लोकनि मैथिली समाचार मे छी, एखन छोट विश्राम। हमरा लोकन मैथिली समाचार में छी, आ बाकी समाचार। समावेशी सामाजिक परिकल्पना कऽ रहल समय नेपालक प्रमुख राजनीतिक दल सब व्यवस्था के अटेर केने देखल जाइत छैक। संगठनात्मक संरचना में 33% महिला सहभागिता होबय पड़बाक में प्रमुख दल सब ओहि कार्यान्वयन नै केने देखल जाइत छैक। संविधान राज्य के हरेक तमी समावेशी सहभागिता के व्यवस्था कर रहल समय प्रमुख सरकार में रहल दल सब ए व्यवस्था के अटेरी कने देखल जाते। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आ नेपाली कांग्रेस लगायतक दल में 33% महिला सहभागिता नहीं भेनाई संविधान कार्यान्वयन में दल सब चुकल देखल जाते। बहुत महिला प्रतिनिधित्व कराओल गेल कहल गेल नेकपा में समेत 441 सदस्य केन्द्रीय सदस्य में महिला संख्या 33% नहीं पहुँचल। नेपाली कांग्रेस आ मधेसी जनअधिकारी फोरम लगायतक दल सब सेहो महिला के समान समावेशिता में हिस्सा नहीं बनाने देखल जाते। संविधान ने 33% मात्र अडिनु पर्छ भन्दैन, त्यसभन्दा माथि विविधता जस्तो छ, राष्ट्रको विविधता जस्तो छ त्यस्तै किसिमको हुनसक्छ भन्ने संविधानले उधार गरिदियो। राजनीतिक दलको ऐनले 33% सबै समितिहरूमा होइन सबै तहका समितिहरू हुनुपर्छ भनेर भनिदियो र महिलाको हकमा पनि त्यही अनुसार कुरा उल्लेख भयो। सङ्घीय संसदमा यो कार्यान्वयन भएको छ, राजनीतिक दलहरूको सबै तहको समितिहरूमा यो 33% पुगेको देखिँदैन। संविधानक धारा 84 के दफा 8 में संसद एक तिहाई महिलाको उपस्थिति अनिवार्य हुब पर्वाक व्यवस्था अछि। दल दर्ताके नियमावली के दल के संगठनात्मक संरचना समावेशी सिद्धांत में आधारित हुब पर्वाक प्रष्ट प्रावधान रहलेछ। संविधानक व्यवस्था के देखल जाए तो जनसंख्या के आधार में 51% महिला सहभागिता हुब पर्वाक रहलेछ। मुदा गाउँपालिका सलक सदन धरि 33% महिला सहभागिता कऽ रहल प्रमुख दल सबके संविधानिक मर्मके लत्याउने देखल जाइत छ। निर्वाचन आयोगके प्रावधान विपरीत भेल दलमे दर्ता खारिजी वा अन्य कोनो कार्यवाहीके व्यवस्था नै अछि। एहि नियमके फाइदा उठबैत दल सब समावेशीसँ बेसी सहजताके देख संगठनात्मक संरचना निर्माण कने देखल जाइत छ। यद्यपि निगरानी नियमनके प्रक्रियामे पूरा कने निर्वाचन आयोगके दावी रहलैछ। जस्तो राजनीतिक दलको संगठनात्मक संरचना अन्तर्गत 1/3 सदस्य हुनुपर्छ भनेर भनेको हुनाले तपाईँको संगठन संरचनामा 1/3 सदस्य नपुगेको देखिएको हुनाले पुर्याउनुहोस् भनेर हामीले पठाएको। नेपालको राजनैतिक दल सब संविधान परिवर्तन भेलाबादो पुरुषवादी सोचमै परिवर्तन होबन नै सक्लास दलबीचकै निर्णायक तहमै महिलाकै साइड लगाउने महिला नेतृत्वकै कहब रहलेछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सचिवालयकै बैसार आइ बैसल अछि। नेकपा आजुक बैसारमे एकीकरण प्रक्रियामे भेल देरीके विषयमे चर्चा केलक अछि। 3 महीना भीतर सम्पन्न करबाक कहल गेल एकीकरणके बाँकी काज 9 महीना भऽ रहलाक बावजूदो नहि भेलाक बाद आइ भेल सचिवालयके बैसारमे एहि विषयमे चर्चा कयल गेल। बैसार भिनसर 10 बजे प्रधानमंत्री निवास बालुआटारमे होबाक तय भेल छल। बीतल पूस 12 गते सम्पन्न स्थायी समितिक बैसारसँ एकीकरणके बाँकी काजके गृह कार्य करबाक हेतु बनल 4 कार्यदल सेहो समय सीमा भीतर प्रतिवेदन असफल भेलाक बाद नेकपा समीक्षात्मक चर्चा केलक बताओल गेल अछि। पार्टी आ जनसंगठनके एकीकरण सम्बन्धी बाँकी काज कार्यदल समय भीतर प्रतिवेदन पेश नहि कऽ सकलाक कारण समय सीमा सहितक एजेंडामे बातचीत केन्द्रित रहल नेकपा सचिवालय जनौलक अछि।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस अमेरिका विरुद्ध सत्तारूढ़ नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल के सार्वजनिक अभिव्यक्ति गलत रहल निष्कर्ष निकाललक अछि। नेपाली कांग्रेस संसदीय दल के रविदिन सिंह दरबार में बैसल बैसार सँ अध्यक्ष दाहाल राष्ट्रीय स्वार्थ आ जनता के हित में अनुदान सहायता उपलब्ध करबैत आयल राष्ट्र अमेरिका के विरुद्ध में सार्वजनिक अभिव्यक्ति देनाय गलत रहल निष्कर्ष निकाललक अछि। अध्यक्ष दाहाल वेनेजुएला के आंतरिक मामला में हस्तक्षेप केलक कहैत अमेरिका के विरोध करैत विज्ञप्ति जारी केने छलैथ। कांग्रेस संसदीय दल के प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खार अमेरिका जेहन देश के राष्ट्रीय स्वार्थ आ जनता के हित के लेल अनुदान सहायता दैत आयल देश के सत्तारूढ़ दल के अध्यक्ष सँ विरोध हेनाय दुर्भाग्यपूर्ण भेल निष्कर्ष निकालैत आब के दिन में एहन अभिव्यक्ति नहीं देना सेहो सुझाव देने अछि। 65 वर्षभन्दा लामो समयदेखि नेपाललाई नेपालको भौतिक विकासमा चाहे शिक्षा स्वास्थ्य यातायात लगायत विभिन्न क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण अनुदान उपलब्ध गराइरहेको सहयोग जुटाइरहेको अमेरिकाको खिलाफमा जसरी उहाँले सार्वजनिक रूपमा धारणा राख्नुभएको छ त्यो गलत छ। तहिना कऽ बैसार में डॉक्टर गोविंद केसी के मांग के संबोधन करबाक लेल सरकार के दबाव देवस सड़क आ सदन दुनू ठाम से आंदोलन के निरंतरता देबाक निर्णय सेहो केने अछि। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंक 2,46,87,00,000 रुपया बराबर के रकम बैंक में एक वर्ष के लिए मुद्दती निक्षेप में राख रहल अछि। बैंक रवि दिन एक सूचना मार्फत 2075 फागुन 1 गते सँ 2076 माघ 29 गते धरि के लेल उक्त रकम मुद्दती में राख रहल जनौलक अछि। केंद्रीय बैंक क वर्ग के वाणिज्य बैंक में 2,06,87,00,000 रुपया, ख वर्ग के राष्ट्रीय स्तर के विकास बैंक में 30,00,00,000 आ ग वर्ग के राष्ट्रीय स्तर के वित्त कंपनी में 10,00,00,000 रुपया बराबर के निक्षेप मुद्दती में राख रहल अछि। बैंक रकम लेबाक हेतु इच्छुक रहल बैंक तथा वित्तीय संस्था सब संचालन में आयल 2 वर्ष पूरा होब पड़बाक, न्यूनतम पूंजी कोष कायम भ चुकल, निष्क्रिय कर्जा कुल कर्जा साप्ती के 5% सँ कम रहल, खुद तरल संपत्ति स्वदेशी निक्षेप के कमती में 20% या वही सँ बेसी रहल, कर्जा निक्षेप आ पूंजी अनुपात बैंक द्वारा निर्धारण कयल गेल सीमा भीतर रहल आ पिछला आर्थिक वर्ष में मुनाफा हासिल केने होब पड़बाक व्यवस्था केलक अछि। हमरा लोकन मैथिली समाचार में छी अखन छोट विश्राम। हमरा लोकन मैथिली समाचार में छी आब खेलकूद समाचार। नेपाल यूएई विरुद्ध के एक दिवसीय T20 सीरीज में ऐतिहासिक जीत हासिल केलक अछि। 3 एक दिवसीय 3 T20 सीरीज खेलबाक हेतु यूएई गेल नेपाल दुनू सीरीज पर विजय हासिल कऽ नेपाल के पक्ष में ऐतिहासिक जीत दर्ज केलक अछि। 3 एक दिवसीय आ 3 T20 सीरीज के लेल यूएई में रहल नेपाल एक दिवसीय आ T20 दुनू सीरीज अपन कब्जा में करक लेल सफल भेल अछि। एक दिवसीय सीरीज 2-1 सँ जीतल नेपाल T20 में सेहो यूएई के 2-1 सँ पराजित केलक। अंतिम खेल में नेपाल यूएई के 14 रन सँ पराजित केलक अछि। वर्षा सँ प्रभावित भेल खेल 10 ओवर में निश्चित कयल गेल। नेपाल 10 ओवर में 8 विकेट के क्षति में 104 रन बनौलक। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका में एक नकली विश्वविद्यालय में भर्ना होबाक लेल पहुंचल 129 भारतीय विद्यार्थी नियंत्रण में लेल गेलाक बाद भारत कूटनीतिक विरोध जनौलक अछि।
अमेरिका के आंतरिक सुरक्षा संबंधी होमलैंड सिक्योरिटी मंत्रालय के गुप्तचर सब पे टू स्टे आप्रवासन संबंधी गलत कार्य के खोजी करबाक हेतु कागज में सीमित फार्मिंगटन विश्वविद्यालय मिशिगन राज्य में रहल कहकर विज्ञापन निकालने छल। भर्ना होबाक लेल पहुंचल विद्यार्थी सब के उक्त विश्वविद्यालय अवैध अछि कहकर जानकारी रहल सरकारी अभियोजनकर्ता सभक दावी रहल अछि, मुदा भारत ओ विद्यार्थी सब के भ्रमित केने जनाओल गेल अछि। एहिसँ पहिने सेहो अमेरिका में नकली विश्वविद्यालय के विज्ञापन कयल गेल छल। समाचारक अंत में प्रमुख समाचारक शीर्षक सब फेर सँ एक बेर। विश्व कैंसर दिवस विविध कार्यक्रम का मना रहल, कैंसर के कारण जीवन गुमाबे वाला सब के संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रहल। मेलमची खाने पानी निर्माण अछि असमंजस में, सुरंग निर्माण के जिम्मा जँ सेना के देल जाए तो निर्धारित समय में काज सम्पन्न करबाक सेनाक दावी। दल सब ने टेढ़लक संवैधानिक प्रावधान, संगठनात्मक संरचना में प्रमुख दल में नहीं 33% महिला सहभागिता। यूएई विरुद्ध के एक दिवसीय T20 सीरीज में नेपाल की ऐतिहासिक सफलता, दोनों सीरीज नेपाल के पक्ष में। आ अमेरिका में नकली विश्वविद्यालय में भारतीय विद्यार्थी नियंत्रण में लेल गेलाक बाद भारत के कूटनीतिक विरोध, विद्यार्थी सब विश्वविद्यालय बारे जानकार रहल अभियोजनकर्ताक दावी। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमरा सभक वेबसाइट janatasamachar.com में सेहो पढ़ा देख सकै छी। तहिना जनता टेलीविजन में दोपहर 1 बजे नेपाली भाषा में न्यूज अपडेट लक उपस्थित हेबेटा करब। हम सब अविराम अनुकरणीय अभ्यास में छी। जनता द्वारा जनता लेल प्रसारित जनता टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।